हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की तरफ से असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। फ्रेंड्स, ग्रुप बी का पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप भी इसको लेकर अगर थोड़े से सीरियस हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या रखा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ प्री एंड मेंस दोनों का एग्जाम पैटर्न एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ आप सभी का, फटाफट से हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI में असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आई है। इसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स रखे गए हैं, 450 सीट्स के लिए ये रिक्रूटमेंट आई है। अप्लाई जो है, अप्लाई डेट, वो फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है आपका, 13 सितंबर से लेके आपका 4 अक्टूबर 2023 तक डेट है, मतलब ऑलरेडी स्टार्टेड है। लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 4 अक्टूबर 2023 रहने वाला है, तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, जितना जल्दी हो फॉर्म आप अप्लाई कर देना। रही बात फॉर्म की फ़ी की, तो जनरल OBC EWS से लिया जाता है 450 रुपीज़ एंड SC ST से लिया जाता है 50 रुपीज़। इसमें आपको फीमेल्स का भी, जो जनरल OBC EWS है उनका सेम ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं कि फीमेल्स का अलग से 50 रुपीज़ या फिर फी माफ़ है, तो उस चीज़ को आप एक बार देख लेना। प्री का जो एग्ज़ाम डेट है, मतलब प्री क्या, प्री मेंस आपका कब तक वहाँ पे ज्वाइनिंग होगा, सारा डेट ना निकाल दिया जाता है, IBPS एक ही बार बता देता है। तो आपका प्री का एग्ज़ाम डेट है 21 अक्टूबर एंड 23 अक्टूबर, दोनों में से किसी डेट को आपका पेपर हो सकता है। मेंस की एग्ज़ाम की बात करें तो 2 दिसंबर 2023 को इसका डेट रखा गया है, मतलब कि तैयारी के लिए समय कम है, तो दुगनी स्पीड से आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ 21st एंड 23rd को इसका पेपर होने वाला है। तो आप 21 अक्टूबर मान के चलो, 2 दिन से क्या हो जाएगा, आप अपनी तैयारी ऐसी रखो कि 21 अक्टूबर तक सारा आपका सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो जाए। एज लिमिट की बात करें तो योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1st of September 2023। मिनिमम 20 इयर्स एंड मैक्सिमम 28 इयर्स एज रखा गया है। रिलैक्सेशन भी मिलता है OBC को 3 इयर्स का, SC ST को 5 इयर्स का, एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जिनका ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ है वही इसके लिए एलिजिबल रहने वाला है, मतलब मिनिमम 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर आपका CGPA में है तो उसको कैसे आप परसेंटेज में आप कन्वर्ट करोगे, वो सब आपको नोटिफिकेशन में बताया गया है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, मतलब कि जहाँ से आप अप्लाई करोगे उस वक्त आपको चूज़ करना होगा किस स्टेट या किस जोन में अप्लाई करना है, तो वहाँ के जो लैंग्वेज होंगे ना, लोकल लैंग्वेज, वो आपको आना चाहिए, अदरवाइज़ आप जहाँ से बिलोंग करते हो वहीं का फॉर्म अप्लाई करना। तो चलिए अब बता देती हूँ सेलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। योर सेलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 3 स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर प्री यानी कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसके बाद मेंस का एग्जाम आपको करना होगा क्लियर, तब जाके फ्रेंड्स आपका LPT यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका लिया जाएगा, जो आपको बताया था कि लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, उसका एक टेस्ट भी आपसे लिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बता दूं कि RRB ऑफिस वाइज वैकेंसी क्या है, कितना कितना सीट है स्टेट और जोन वाइज। कानपुर एंड लखनऊ के लिए आपका है फ्रेंड्स 55 सीट्स, न्यू दिल्ली के लिए 28 सीट है, पटना के लिए आपको 10 सीट है, चंडीगढ़ के लिए 21, भोपाल के लिए 12, जयपुर के लिए 5, अहमदाबाद के लिए 13 सीट है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 18 है, कोलकाता के लिए 22, मुंबई के लिए 101 है, नागपुर के लिए 19 है, हैदराबाद के लिए 14 है, गुवाहाटी के लिए 26 है। मतलब ओवरऑल मिला के देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीट है मुंबई के लिए, बट वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिनको मराठी आती हो।
उसके बाद कानपुर एंड लखनऊ के लिए आपका 55, तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं आप। चलिए अब मैं आगे आपको प्री की एग्जाम पैटर्न समझा देती हूँ। प्री का जो आपका पेपर होता है फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन का रहता है, 100 मार्क्स के लिए। टाइम मिलता है आपको 60 मिनट्स, यानी कि आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा। निगेटिव मार्किंग 1 पॉइंट सॉरी निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 यानी 0.25 का रहता है। आइए सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा और कितना टाइम अलॉट होता है पर सेक्शन वो बता देती हूँ। जैसा कि अगर आपने बैंक का पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि हर सब्जेक्ट का सेक्शन वाइज आपको टाइमिंग अलॉट होता है, इतने टाइम के लिए ये सेक्शन खुलेगा। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए और टाइम मिलता है आपको 20 मिनट का, मतलब कि जैसे ही 20 मिनट कंप्लीट हुए आपका इंग्लिश का सेक्शन बंद हो जाएगा। अदरवाइज मान लो कि 10 मिनट हुए, आप दूसरे सेक्शन में चले गए, इसको आपने सबमिट कर दिया, तो फिर दोबारा टाइम होते हुए भी आप वापस नहीं जा सकते हो। मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए एंड आपको इसके लिए भी 20 मिनट का टाइम मिलेगा। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए 20 मिनट्स, इसका भी आपको सेक्शन टाइम होता है। सो आई होप कि प्री का एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग मेंस का एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। मेंस में आपका 200 क्वेश्चन का पेपर होता है, 200 मार्क्स के लिए टाइम मिलता है 135 मिनट्स का। निगेटिव मार्किंग यहाँ भी 1/4 यानी कि 0.25 का है। तो चलिए सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मार्क्स एंड सेक्शन ऑफ टाइमिंग देख लेते हैं, कितने टाइम में कौन से सेक्शन को क्लियर करना है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए टाइम मिलेगा 30 मिनट्स का। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए टाइम 30 मिनट्स, यानी कि आधा घंटा इस पे भी मिलेगा, आधा घंटा इसके लिए भी आपको मिलेगा। मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए इसमें भी 30 मिनट्स का आपको सेक्शन टाइम दिया गया। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए 25 मिनट्स का इसमें आपको टाइमिंग मिलने वाला है। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए 20 मिनट्स का टाइम इसमें दिया गया है। फ्रेंड्स आई होप कि मैंने जो आपको ये एग्जाम पैटर्न एक्सप्लेन किया है मेंस के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम की सेंटर कहाँ रहेगी, तो आपको ना IBPS के थ्रू नियर बाय सिटी दिया जाता है। जब आप फॉर्म फिल करोगे ना, उस टाइम आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जो आपका सेंटर रहेगा नियर बाय सिटी चूज करके वहाँ पे दे सकते हो। और जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो वो ऑल ओवर इंडिया में, जो आपने देखा आपको कि RRBs है, आप जहाँ का अप्लाई करोगे वहीं पे आपको मिलेगा, उसी स्टेट के अंदर उसी जोन के अंदर आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो अब जब काम करने का मौका मिलेगा तो सैलरी भी मिलेगी, तो आइए सैलरी भी आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। इनिशियली आपको दिया जाएगा 20,700 रुपीज एंड आफ्टर इंक्रीमेंट्स एंड पर्क्स एंड अलाउंसेस आपकी सैलरी हो जाएगी 47,849 रुपीज। तो अच्छे खासे पर्क्स एंड अलाउंसेज इसमें मिलते हैं। RBI की जॉब है, देश का नंबर वन बैंक है, मतलब सेंट्रलाइज बैंक है जो सारे बैंक को जो रूल करता है। तो आप समझ सकते हो कि इसका पोस्ट, अगर आप एक पोस्ट अचीव करते हो तो आपकी कितनी ज़्यादा, बोलते हैं ना कि ये लेवल आपका हाई हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल जाएगी। तो कोशिश करो फ्रेंड्स कि अगर आप इसके एग्जाम में बैठते हो तो पेपर को भी क्लियर कर लो, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सो आई होप कि मैंने जो आपको डिटेल बताए हैं RBI असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आए, कमेंट सेक्शन है ना, आप वहाँ पे पूछ सकते हो। अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आपको लिंक अगर ओपन नहीं होता है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो मनीषा सिंह जॉब अपडेट्स, फेसबुक पे भी सेम ही रहेगा, और आप टेलीग्राम पे भी सर्च करोगे सब जगह आपको मनीषा सिंह जॉब अपडेट से मिल जाएगा मेरा। तो आपको टेलीग्राम चैनल पे ना इसका नोटिफिकेशन भी मैं पोस्ट कर दूंगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग भी वीडियो को एक लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू फ्रेश जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।